कार के आइड साइड आगे सड़क में फंस चुके हैं हम। बहुत बढ़िया। जरा देख के आऊं इधर। अब तो रुक जा बे, क्या लगा रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चे को डरा रही है। कुछ तो जिंदगी में एडवेंचर करो ना बे। रेस रेस लगा रहा क्या, निकाल ले भाई। अकेले आना उत्तम मजा नहीं आता, पर हो सके लोग ट्रेकिंग भी करते हैं। इसकी भैंस की टाक इतना बड़ा ट्रक कैसे आ सकता है। पूर्वक अंधेरा अंधेरा, आलसी इतने ज्यादा है ना। साइड से जगह है बाइक वालों के लिए, क्योंकि कार। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कल हम घर से निकले थे वीडियो शूट करने के लिए, पर कल हमारे साथ हो चुकी थी बहुत बड़ी वाली ब्यूटी, क्योंकि भाई मैंने कल जितनी भी क्लिप शूट की थी ना, सारी क्लिप के एल लग गए थे, क्योंकि सारी क्लिप खराब हो गई थी भाई। मुझे करना था सुपर व्यू पे शूट हो जाता है, वाइड एंगल पे शूट हो जाता, पर वो ना भाई एल पे शूट हो गया है। इसका मैं डबल मीनिंग नहीं बोल रहा हूँ, पर एल पे शूट हो गया भाई, तो पूरी क्लिप खराब हो गई। घर आके देखा ना भाई, मन इतना गंदा उदास हुआ ना। मैंने सोचा यार मेरे साथ क्या हो गया अभी इसी, पर कोई ना, अपने मन को कंट्रोल करते हुए हमने सोचा कि ठीक है पूरी क्लिप डिलीट मारते हैं, 200 का पेट्रोल की ठीक है बर्बाद हुआ तो होन दो, अभी घर से निकल लेते हैं। तो वही है, अभी निकल चुके हैं और देखते हैं कहाँ का सीन होता है। तो आज हम एमपी नगर नहीं जाएंगे, कल हम एमपी नगर ही गए शूट करने, आज हम सोच रहे कि आज हम वहाँ चले जाते हैं, आज ब्रिज साइड जाते हैं, जहाँ सावरकर सेतु वाली नहीं, हम जाएंगे अपना केरी साइड वाली रोड पे, कहीं किधर ही जाएंगे, या कोलार साइड ऊपर चढ़ जाएंगे, या कहीं नीचे चढ़ जाएंगे, जहाँ भी होगा जो भी जैसा होगा देखा जाएगा। अभी बस अभी घर से निकलते हैं, ठीक है, मतलब घर से तो निकल ही चुके हैं, आगे चलते हैं बस रोड को क्रॉस करते हुए पेट्रोल डलाते हुए, क्योंकि गाड़ी मुझे लग रहा है फ्यूल कम है जी। दानिश आ चुके और भसड़ में फंस चुके हैं हम, क्योंकि बस दानिश में आए और भसड़ में ना फंसे ऐसा कहीं हो सकता है जी। अरे मेरे मेरे मन में आए विजय को बुलाता हूँ, पर मैं सोचा यार कौन बुलाए उस हाटू आदमी को, मतलब दोस्त है मेरा, तुमने सोचा कौन बुलाए। ओ भाई लो जी, यहाँ लग चुका है जी सिग्नल। अरे कोक क्या है, कोल्ड ड्रिंक कितने सेकंड का लगा है, 18 सेकंड का। यार गाड़ी बंद करूंगा चालू करूंगा उतना ही पेट्रोल खाएगी, बाकी ट्रैफिक देख लो। फर्स्ट टाइम लगता है लोग बैग रुक रहे भाई ऐसे सिग्नलों पे, नहीं तो ये दानिश नगर में तो इतना लोग वेट करते ही नहीं है। देखना अभी आगे वाले कार वाले नहीं रुकेंगे, वैसे संडे है तो आज ट्रैफिक भी कम होगा, समझ रहे हो। अब तो रुक जा बे, देखो 18 सेकंड हो गए इसको ओला वाले। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। साल अंकल तो पैर लगा के टिका रहे, क्या बात है अंकल जी, इंडिकेटर दे रहे लो जी। चलो जी हम अपनी गाड़ी को थोड़ा सा प्यार से भगा लेते हैं, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं भगाता मैं भाई। तो कितना ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा भाई। अच्छा संडे ना, क्रोमो में तो चांदी चांदी होगी दिवाली के चक्कर में, मैट ब्लैक मस्त लग रही गाड़ी। तो यहाँ से गाड़ी ऊपर डाल चुके हैं, और यहाँ से भी रास्ता था पर उसको बंद कर दिया, दीवार उठा दिया गया है भाई, गाड़ी चढ़ नहीं रही मेरी, सच्ची अच्छी में जी चढ़ नहीं रही है। काफ़ी दिनों बाद मैं इस ब्रिज में जा रहा हूँ, नहीं तो बीच बीच में इधर घूमने जाता रहता था, पर आज काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों आज मैं घर से निकला हूँ और बाहर निकल रहा हूँ दोस्तों। मैं मतलब कि आज़ाद पंछियों की तरह आज़ाद हुआ हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना भाई बहुत ज़्यादा ये लोग काम करवाते, पुताई सुताई ये सारी चीज़ें कौन करवाता है भाई अपने लौंडे से। मजदूर रखना चाहिए ना घर वालों को, पर घर वाले मेरे कहाँ समझने वाले हैं जी। यहाँ गाड़ी रोकता हूँ मैं, थोड़ा सा रुकूंगा। अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और अभी मैं रुक के ना विजय को फ़ोन लगाया था, इसकी भैंस की टाक इतना बड़ा ट्रक कैसे आ सकता है। तो विजय को मैंने फ़ोन लगाया था, तो विजय ने मुझसे बोला कि भाई घर पे हूँ, मेरे को पहले लगा कि लाइब्रेरी में होगा पर वो घर पे है। कल तो खांसियाँ लगती है, इधर एक बड़ा सा ब्रेकर दच का टाइप का आता है यार, कहाँ पे आता है ये रहा, आ गया, बड़ी गंदी गाड़ी से आवाज़ आती है यहाँ पे। हाँ तो चल चुके हैं, अभी हमारा सीधे जाने का ही प्लान है। पहले मैं सोचा था कि मैं इधर बंसल साइड जाऊँ, पर बंसल साइड जाने कैंसिल कर दिया मैंने, अब सीधे जा रहे हैं इधर। देखो मेरे को ज़्यादा रास्ता को नॉलेज नहीं है, मतलब रास्ता पता है मुझे सारे, पर नाम नहीं पता है मेरे को। अभी देखो एक पुलिस वाला बैठा है, वो अभी चलान नहीं काटेगा, अभी रुको थोड़ी भीड़ रात होने दो, उसके बाद देखना तुम्हारा चलान और तुम्हारा क्या क्या काटेगा, तुमको साला पता ही नहीं चलेगा। तो चल रहे भाई बस मौज करते हुए, थोड़ी सी ठंडा हो चुकी है। पहले मैंने मॉर्निंग में आज सोचा था कि मुझे मोटर ब्लोइंग पे जाना है संडे राइड के लिए, क्योंकि आज संडे है और छोटी मोटी राइड होनी चाहिए। देखो आप पर ऐसे भी देखो मेरे ग्रुप में ना ज़्यादा लोग नहीं है, और जो मेरे दोस्त हैं वो ना आलसी इतने ज़्यादा है ना, साले बोलते हैं कि उनको 9 बजे तक सोने दो, सोने के बाद उठ के जॉब चले जाएंगे। अबे इनकी ज़िंदगी साला जॉब से ख़त्म हो गई, जॉब से स्टार्ट होती है, क्योंकि देखो सुबह उठे चाय पिए नहाया धोया खाया पिया जॉब पे निकल गए, उसके बाद शाम को घर आए सोया, फिर सुबह वही सोया सुबह वही, साला कुछ तो ज़िंदगी में एडवेंचर करो ना भाई।
काहे तो निकलो, भले गाड़ी नहीं है ऐसी गाड़ी लेके निकलो। नहीं गाड़ी साले खरीद सकते हैं पर साले पैसा भी तो बचाना है यार। क्या बताएं भाई मेरे दोस्तों के बारे में, लड़के मेरे है ना, मैं उनकी बुराई भी तो नहीं कर सकता। फिर यही लोग बोलेंगे पापा ने उनके परवरिश अच्छी नहीं की, मतलब मेरे को कोसेंगे कि पापा ने परवरिश अच्छी नहीं की है इसलिए लोंडे ऐसे बिगड़ रहे हैं। अभी अपन यहाँ से मुड़ेंगे आगे पेट्रोल पंप पे जाएंगे। लो जी पेट्रोल पंप आ चुके हैं, ये रहा सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, चालू है कि बंद है ये साला पता नहीं है। पेट्रोल डलाते हैं उसके बाद निकलेंगे आगे। किधर लगाना है जी? अच्छा चलो जी, एकदम आराम से बैठे हुए हैं भाई ये लोग। चलो जी पेट्रोल डल चुका है, ये पेट्रोल पंप पूरा खाली पड़ा रहता है क्योंकि वो हाईवे वाली चलने लगी है ना, तो इधर अब ज्यादा कोई आता नहीं है। पहले ये हाईवे ज्यादा चलती थी पर अब जो 20 से नई वाली निकली है ना वो ज्यादा चलने लगी है, तो इधर बहुत कम मतलब लोगों का आना जाना हो चुका है। पर भाई बढ़िया है यार, सुनसान रास्ता है, मतलब सही जगह है ये ना, तुम्हें ज्यादा दिक्कत वाली जगह नहीं लगेगी, जगह एक नंबर है। ये रास्ता बंद है क्या? BCAA बंद है क्या भाई? मुझे तो नहीं बंद है। स्कूटी वाला अगर निकल गया है तो मैं तो निकल ही सकता हूँ जी। अच्छा रोड बनी है जी, रोड बनी है। क्या बनी है जी? रोड ने ये बढ़िया काम कर दिया, जो साइड साइड पे टाइल्स लगा रहे हैं भाई, ये एक नंबर काम है। क्योंकि भाई जो गड्ढे है ना, गड्ढे में गलती से इंसान जाता ना इधर, बहुत गहरे गड्ढे थे, मतलब रोड ज़्यादा ऊंची बन गई तो गड्ढे साइड पे ज़्यादा गहरे हो गए थे, और गड्ढे में इंसान जाता ना तो इंसान की वो हो जाता था, समझ रहे हो। बाकी ये सब यहाँ अच्छा है, टाइल्स लग जाएगी तब रिक्स नहीं रहेगा। इधर भी कुछ करना चाहिए इन्हें, क्योंकि उधर वाले गाड़ी वालों को। बाकी अच्छा इधर से रास्ता बंद है इसलिए एक साइड से गाड़ी आ रही है। इधर थोड़ी बहुत चेकिंग हो सकती है वरना होती नहीं है। चौराहा पूरा तैयार, क्या बात है जी। ओ भाई पूरा तैयार हो गया भाई चौराहा तो, अब कितना सही लगने लगा भाई, खुला खुला भाई चारों तरफ, सूरज देवता भी डूबने ही वाले हैं कुछ क्षण पश्चात। बाकी भाई एक नंबर लग रहा है अब। खुल चुका है, किधर का रास्ता है भाई, खुला किधर से ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा इधर से जा सकते, सभी तो खड़े हैं भाई, पता नहीं कहाँ से खुला था क्योंकि सभी खड़े थे। तो लो जी अभी हम निकल चुके हैं, कोई तो जा नहीं रहा था इसलिए मैंने गाड़ी घुसेड़ दी। इधर आ चुके हैं जहाँ लग्जरी बगले है भाई, बगलों का रेट ऐसा है ना कि अब मैं कैसा बताऊं रे बाबा। ये इधर चलो ग्रेनाइट वाला है, बाकी आगे बगले जहाँ साला मूवियों की शूटिंग होती है दोस्तों, इधर मूवी की शूटिंग होती है, सीरियल की शूटिंग होती है, हर एक चीज की शूटिंग होती है दोस्तों। हम आ चुके हैं केड़ी, या हम इधर जाएं या हम इधर जाएं, जाएंगे तो है कहीं ना कहीं, तो हम सोच रहे आज इधर जाएं क्योंकि इधर का रोड का ना मेरे को व्यू बहुत प्यारा लगता है जिधर हम मैं जा रहा हूँ। देखो कैसे एकदम शांतिपूर्वक अंधेरा और इधर भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा ऊपर जाके वहाँ खड़ा रहूँगा जहाँ वो है, या थोड़ा सा और आगे जाके गाड़ी ब्रेक लेके आ जाऊँगा मैं। बाकी एक नंबर है भाई ये जगह, बाकी ऊपर हो सके लोग ट्रेकिंग भी करते हैं, मुझे नॉलेज नहीं है। देखो भाई मैं बोल रहा हूँ बस। अंधा मोड़ है जी ये, इधर देखो चाय की दुकान भी खुल गई है, समझ रहे हो। अच्छा ऊपर गाड़ी जाती है, ऊपर क्या है जी, मैं भी जरा देख के आऊँ इधर, ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चे को डरा रही है। देख लो आज जंगल पे गाड़ी डाल दी मैंने, देख रहे हो जी। चलो जी इस अच्छी सी लोकेशन को बाय बाय करते हैं और गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं घर, ठीक है क्योंकि खो चुका हमारा। अच्छा था भाई, पर देखो मैं एक चीज़ बताऊँ ना, अकेले आना उतना मज़ा नहीं आता, अगर तुम्हारे दोस्त यार तुम्हारे साथ हैं तुम्हें फुल मज़ा आएगा, अगर दोस्त यार साथ नहीं है तो तुम्हें घंटा मज़ा नहीं आने वाला है। बाकी यहाँ से निकलेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाकी हेलमेट में कुछ लग गया जी हमारे। तो ये है थोड़ी सी अच्छी चीज़ है, थोड़ी थोड़ी कुछ देखो कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें हैं, अगर दोस्त यार नहीं है तो नहीं आता मज़ा भाई, जो वो चीज़ रियलिटी है भाई। पर कोई ना अभी हम निकल रहे वापस से घर के लिए, क्योंकि अब हल्की हल्की ठंडी बढ़ती जा रही है और ऊपर से मैं ठंडी का मतलब ऐसे कुछ अपर ऊपर पहन के नहीं आया हूँ तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए भाई, सर्दी जुकाम ना हो जाए, समझ रहे हो ना, इसलिए अपने आप को तो बचाना ज़रूरी है। चलो अभी यहाँ से भी ये रास्ता आता जहाँ मैं बैठा था
और इधर से भी आता, और आज हो सके आज मुझे वहां भी जाना पड़ेगा यार रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी मामी जी है जो गांव जा रही है, इनको हो सके और मामा जॉब से जल्दी नहीं आया तो मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, फोन उन आया नहीं है, जो भी जैसा होगा तो बताएंगे वो लोग क्या कैसा है, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे अभी कुछ फोन उन नहीं आया है, फोन आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो बुरी बात है। बाकी अपन को अभी सीधे चलना है, ग्रीन है, ग्रीन सीधे निकल सकता हूँ, येल्लो हो गया, येल्लो का मतलब चलो जी मैं सीधे निकल गया। मुझे घंटे यहाँ सिग्नल का भी नहीं पता क्या कैसा हो रहा है भाई, कसम से मेरा चलाना है भाई, उसके लिए भाई मेरा चलान मत भेजना यार, क्योंकि सिग्नल के बारे में मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है जी। लो भैया यहाँ भी सिग्नल लगा है 15 सेकंड, पर यहाँ वाले में खड़े हो जाऊँगा मैं, 15 सेकंड, 9 सेकंड, क्योंकि सिग्नल का पालन करने लगा हूँ। अरे सिग्नल सोलर से चलता है ना, चलो रोक लो, हाँ हो गया। रास्ते में ना एक चीज़ है, अभी की धूल बहुत ज़्यादा है, धूल ना हद से ज़्यादा है। अगर तुम इधर बिगर हेलमेट का आए हो ना, हेलमेट का भी आओ तब भी सारा धूल जाएगी क्योंकि मेरी आंखों में जा चुकी है जी। और देखो यहाँ से रास्ता बंद करके रखा है इन लोगों ने, पर साइड से जगह है बाइक वालों के लिए, क्योंकि कार वाले ना जाए, बस बाइक वाले कुछ काम हो रहा होगा तो बाइक वाले जा सकते, कार वाले जा सकते। बाकी ये ब्रिज बन रही है यहाँ पे, हो सके ब्रिज के अंदर भी वो लगे, समझ रहे हो, इधर सारी ब्रिज ही बनी है, बन के पैक हो जाएगी, क्योंकि नाला है वो ब्रिज, सॉरी ब्रिज बोल रहा हूँ मैं, नाला टाइप का है तो ये सही है। बाकी इधर से देखो सही है भाई, बाइक वालों के लिए पूछो क्यों, क्योंकि ट्रैफिक जरा से नहीं है, क्या बात है जी। अब मुझे यहाँ सीधे सही रास्ता ऐसे लेना, इधर नहीं जाना, अब इधर सीधे निकल जाऊँगा, है ना। सामने वाला ये जो टावर बना ना, बिल्डिंग जो भी इसका जो भी नाम है, मुझे बहुत प्यारी लगती है भाई, कसम से अच्छी लगती है, थोड़ी सी महंगी होगी पर अच्छी है भाई, भाई एक नंबर लगती है मुझे। हो प्रभु, चलो भाई फाइनली हम निकल चुके हैं घर के लिए, बाकी सब ये सब नीचे गिर चुका है, किसी का फोन तो नहीं आ रहा। पहले तो आज आने का प्लान नहीं था, आज रील शूट करने का था, पर अभी भाई एक हफ्ते से ऐसा और आने का टाइम ही नहीं मिल रहा, ना रील शूट हो रही, ना कुछ शूट हो रही, ना बड़ी वीडियो शूट हो रही है, और मेरे को डेली ब्लॉगिंग भी करना है, अपने को स्टॉक तैयार करके रखना है वीडियो का, ये नहीं कि स्टॉक नहीं रखना है, स्टॉक तो रखना पड़ेगा ना जी, क्योंकि डेली ब्लॉग करना है, तुम्हारे पास 3 वीडियो एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि कभी गलती से तुम एक दिन ना डाल सको तो एक एक्स्ट्रा डल जाए। बाकी अभी सब चीज़ चलेगा, देखा जाएगा कैसा होगा। फाइनली हम वापस से ये वाले ब्रिज पे आ गए, जिसको बाबूलाल गौर सेतु ब्रिज बोला जाता है, क्योंकि मैंने सुना है, मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि आधी चीज़ें मुझे कंफर्म होती नहीं है, समझ रहे हो दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अब घर जाऊँगा और काम धंधे करूँगा दोस्तों। देखो दोस्तों, बिगर छानबीन की मैं सारी चीज़ें बोलता हूँ, और समझ जाओ ऐसा कौन बोलता है, मतलब कि दोस्तों कि मैं आपको अब क्या बताऊँ दोस्तों चलो आ चुके भाई, ब्रिज पार करते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक लग जाएगा। ध्रुव राठी जितना बोल रहा था बोल चुका है ध्रुव राठी ने, अब ध्रुव राठी नहीं बोलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो भैया ये गाड़ी वाले ना भाई, खासकर आंटी लोगों से दूरी रहो भाई, मैंने भाई मेरे साथ तो आंटियों ने तो मतलब आंटी लोगों ने 2 बार हिट करवा चुकी है। एक बार तो एक पागल ने सा कार का गेट खोल दिया तो हाथों की उंगलियां सूजी हुई थी, और एक बार एक ने गाड़ी ठोक दी, और उसके बाद साला सॉरी बोल देते, इनका क्या है, अपन किसी को ठोके अगर लड़कियों को आंटियों को सॉरी बोल दे तो भाई माँ कसम 4 लोग अलग मारने आएंगे हमको। आज के है बक्सवनिया के ट्रैफिक वाले एरिया पे, और जहाँ से हमें गाड़ी मोड़ना है, क्योंकि हम रोंग साइड में नहीं जाएंगे, रोंग साइड में ना उड़े लगा देंगे। ये बस तो इधर दबा रही, तो मेरे गाड़ी उधर दबाना चाहिए सही 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 उससे, ये भी उधर ही दबा रहा, क्या छूटिया। लो भैया सारी गाड़ियाँ उधर ही जाएंगी, आधी गाड़ियों की लाल बत्ती जल रही है, कार के आइड साइड आगे पीछे बाजू से जहाँ से गाड़ी निकले भैया वहाँ से घुस रहे। ओ खेलो भैया, रुक जाना भाया, ओ भाया मेरे को तो इधर जाना है, मैं इधर गाड़ी मोड़ सकता हूँ, बस सिग्नल लग जाए एक बार, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, देख रहे हो भाई साहब। हो फाइनली हमने अपनी गाड़ी को घुसेड़ दिया भाई, थार वाला के इधर क्या है, कुछ क्या हो गया है जी, ये काहे को क्या लगा रहे हैं, जाम साला, जाम पे जाम पिलाते हैं लगाते नहीं है भाई,
चलो चलो जी मेरे पीछे चलो, निकल गई है गाड़ी। आधा तो भाई ये जो लोग बाग रोड में खड़ी कर देते हैं ना भाई, डिस्ट्रिक्ट जज जो भी हो, गाड़ी नाम तो लिखवा लेंगे एकदम सरकारी वाला, और रोड में खड़ी कर देंगे, ऐसा लगेगा कि उनके पप्पा की रोड है जी। भले पप्पा की रोड हो या ना हो, पर लोगों को लगता है भाई बेस रेस लगा रहा क्या, निकाल ले भाई। हाँ बहुत बढ़िया, जीत गया ये, ठीक है। अगर रेस लगा रहा है तो जीत चुका है, इसको अभी मेडल पहनाया जाए चप्पल जूतों का। साला एक लाइट मस्त लग रही भाई, इंडिकेटर दे रही है अंदर मुड़ेगा भाई। एक चीज़ है अभी ना, मुझे देखो चिप्स की पन्नी फेंक दी सालों ने बस से ही, यही तो भोपाल को नंबर वन पे नहीं आने दे रहे भाई। अरे थार वाला व्यक्ति देख रहे एकदम से रोड क्रॉस करेगा, भैया रोड क्रॉस करना है जी, हाँ करेगा भूरा है एकदम, लग रहा कि ब्लीच लगाया ससुरा। चलो फाइनली अभी हम हसीनाओं के मॉल आ चुके हैं जी दोस्तों, आ चुके हैं हसीनाओं के मॉल, और सोच रहे शिक्षक करते हैं वीडियो को एंड। अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा होगा जरूर दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी, फिर हैंडल की माँ हो गई तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, जिस करते वीडियो के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय जी।